नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना पहुंचे, जहां आदिवासी बाहुल्य गांव दुर्गापुर में हितग्राही सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बूथ विस्तारकों की भी बैठक ली, वहीं आदिवासी परिवार के घर में भोजन भी किया। आम जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 10,73,93,000 के विकास कार्यों का शिलान्यास भी कर दिया। दिलचस्प बात ये रही कि इस दौरे के दौरान वो अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। स्थानीय ग्रामीणों के बीच लोक संगीत में मंजीरा बजाते हुए भी नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सतना के दुर्गापुर गांव में पहुंचकर सबसे पहले स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने उनके स्वागत में लोकगीत की प्रस्तुति दी। इस दौरान वो अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने मंजीरा बजाया और मंडली को 11,000 रुपयों की रकम से पुरस्कृत करने की बात भी कही। इसके बाद वो बूथ विस्तारकों की बैठक लिए, वहीं गांव के बूथ अध्यक्ष कल्याण सिंह गौड़ के घर पर भोजन भी किया। भोजन के बाद वो गांव का भ्रमण करते हुए सभा स्थल तक पहुंचे, जहां हितग्राही सम्मेलन सभा को संबोधित किया। साथ ही 10 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास पूजन किया, जिसमें पानी, बिजली, सड़क और भवन के निर्माण कार्य होने हैं। उन्होंने कहा कि रैगांव चुनाव भाजपा हार गई, लेकिन दुर्गापुर के आदिवासियों ने 100% मतदान भाजपा के पक्ष में दिया। मंच से उन्होंने आदिवासी परिवार के घर में किए गए भोजन की तारीफ भी की। भाषण के दौरान उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। जनता द्वारा बताई गई समस्याओं पर जल्द निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए। खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही 7 फरवरी को सतना में अनुभव मनाने के निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक योजना के तहत वे आज यहां पहुंचे हैं। पार्टी संगठन विस्तार के लिए हर बूथ पर विस्तारक जा रहे हैं। का कोई भजन हो जाए, एक बड़ा देव का भजन हो जाए। बैठ जा, बैठ जा। एक नंबर बता दो भैया, नंबर बता दो, नंबर बता। बड़े कस्बों में कोई सचिव जीते? शिवराजपुर जीते, सिंहपुर जीते, रोड भी जीते। ये बंदा के लग सकता उसको बढ़ा के कम से कम 7-8 जी। हमारे बूथ अध्यक्ष जी के यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत मैं स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए आज दुर्गापुर उसी योजना के अंतर्गत आया हूँ। पूरे प्रदेश में पार्टी का अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए। हर बूथ पर विस्तारक जा रहे हैं, बूथ समितियों का गठन हो रहा है, पन्ना समिति पेज प्रमुख भी हम लोग बना रहे। मेरा सौभाग्य कि आज दुर्गापुर आने का मौका मिला। इस बूथ के अध्यक्ष हमारे कल्याण सिंह गौंड हैं और पूरी बूथ समिति के साथ हमने आज चर्चा की, बैठक की, उनके साथ विचार विमर्श किया। पार्टियां बहुत मजबूत है और टीम भी बहुत अच्छी बनी है। फिर कल्याण सिंह जी के ही हमने भोजन किया और अभी गांव में भ्रमण करते हुए आगे जहां जनता इकट्ठी है वहां जा रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें।
मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा डेकहा रीवा।